पढ़ते हैं आगे बात उत्तर प्रदेश की, जहां कन्नौज जेल में कैदियों और जेल प्रशासन के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। मारपीट में दो डेप्यूटी जेलर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जेल के अंदर घायल कैदियों के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी प्रशासन की तरफ से नहीं बताई जा रही है। कन्नौज जेल के डिप्टी जेलर हैं ये। जेल के अंदर कैदियों ने इन पर जानलेवा हमला किया था। पुलिस प्रशासन को कैदियों और जेल अधीक्षकों के बीच मारपीट की खबर मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर बड़ी मुश्किल से कैदियों के बवाल पर काबू पाया। कैदियों के हमले में दो डिप्टी जेलर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कैदियों ने जो है वो बवाल किया, उस पे इन्होंने समझाने की कोशिश की जेल प्रशासन ने, तो उनके साथ मारपीट की गई। तो तत्काल मौके पे जो है वो जेल अधीक्षक पहुंच गए, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। उसके बाद हम लोग भी पहुंच गए तो उनको कंट्रोल कर लिया गया है। कन्नौज जेल प्रशासन और कैदियों के बीच तनातनी की शुरुआत शुक्रवार को तब हुई जब कोर्ट में एक कैदी ने अपनी पीठ की चोट दिखाते हुए जेल प्रशासन पर बेवजह पिटाई का आरोप लगाया। खबर है कि इसी के बाद मामले ने तूल। तो अभी तक घायल कैदियों के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी बाहर सामने नहीं आ पाई है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।